खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर कुर्नी उपचुनाव में महागठबंधन के हार से ताड़ी व्यवसायी और शराबबंदी का असर पड़ा है। वहीं बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री राम मंसूरी, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और पूछहा विधायक अमर पासवान ने कुर्नी उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी के हार पर मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। महागठबंधन का वोट और एनडीए का वोट का कटाव नहीं होना, पहले से दो पासी समाज पर दो दिन पहले लाठीचार्ज, पासी समाज किसी भी कीमत पर उसके राइट्स को हमें वापस करना होगा। हम पासी समाज के अधिकार को नहीं छीन सकते। क्या उसी का हार का सर दो सर आप चुप तो रहिए। तीसरा, बालू 1 करोड़ लोगों का प्रभावित होना, बालू माफिया को घर में बैठाएंगे विधायक एमएलए एमपी और माफिया से चुनाव प्रोटेक्ट करेंगे। बहुत क्लियर है, सुनिए इसको। ओवरलोड ट्रक जाता है बालू माफिया का, और छपरा से लेकर के दानापुर, जहाँ जहाँ नदी है, जिस किनारे जिस जाति के लोग हैं, सोनपुर से लेकर के बक्सर और टेहरी, भाई विजेंद्र का इलाका, सर सुन आप ही जान गए जी, ये सारा सिंडिकेट, सारा छपरा सब टोटल वही है सर। आप सिंडिकेट पे क्या वही बात पहले आ रहे हैं ना, आ रहे, आ रहे। 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग प्रभावित है बालू से। हमें बालू को 1200, 300, 400 करोड़ का टेंडर रद्द करना पड़ेगा, और 20 लाख 30 लाख के टेंडर, यदि मैं रोजगार की बात करता हूँ तो गांव के में जो ट्रैक्टर और ट्रक और नाव है जो बालू लाता है, उसके नाव और ट्रैक्टर को थाना में रख दो, नाव को डुबा दो और माफिया के नाव को चलने दो, तो यह भी प्रभावित किया। दो, तीसरा चीज शराब, हम तो नशा मुक्त समाज हो ये चाहते हैं। अब ठीक है, कोई कानून लाया जाता है तो उसमें बहुत तरह का जो है सो कि व्यवधान भी आता है, कई तरह की बातें आती है। कानून इम्प्लीमेंट करने में भी जब तक समाज का सहयोग नहीं होगा, जनता का सहयोग नहीं होगा, प्रशासन का सहयोग नहीं होगा, तब तक तो कोई कानून इम्प्लीमेंट सही नहीं हो पाता है। अगर उसमें कहीं खामियां हैं तो उसकी समीक्षा किया जाएगा, उसको देखा जाएगा। हर मैं इसको हार तो स्वीकार करता ही हूँ, क्योंकि जनता ने जो मैसेज दिया और कहीं ना कहीं इस पे हम लोग को समीक्षा करनी चाहिए और क्यों ये हार हुई है। तो मैं चाहूंगा कि जरूर ऊपरी स्तर पे यहाँ के विधायकों के साथ, या फिर जो भी क्षेत्र में विधायक गण लगे हुए थे, या फिर जो भी प्रतिनिधि मंत्रीगण या फिर वहाँ पे प्रमुख लोग लगे हुए थे, तो इन सब चीजों को एक मंच पे बैठ करके हम लोग को इन सब चीजों का हम लोग को एक समीक्षा करनी चाहिए।